हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। सो गाइस, आवर मोस्ट फेवरेट गेम, मोस्ट ट्रेंडिंग गेम इज इन डेंजर। यानी कि गाइस हमारा जो बहुत प्रिय गेम है, हमारा जो दिल के करीब जो गेम है और जो भारत पे जो गेम राज कर रहा है, अब वो थोड़ा सा डेंजर सिचुएशन में आ चुका है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पबजी की। तो गाइज आज का ये वाला वीडियो आप सब आखिरी तक देखना, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। एंड अभी देखो यार, वीडियो अगर पसंद आए, पसंद तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि यार ये बहुत बुरी खबर है हम सभी के लिए। तो बेसिकली जो भी यार, अगर लाइक करना होगा तो कर देना। एंड जो कोई भी चैनल पे नया है, आज से ही मेरा ये वाला वीडियो देखना शुरू किया है, तो भाइयों नीचे जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कर लेना बेल आइकॉन को क्लिक, क्योंकि इसी तरह के शॉकिंग न्यूज़ में आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलो यार, अब ज़्यादा पकाते नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कर लेते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे मैं शुरू से शुरुआत कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे फंडा क्या हुआ है, सीन क्या क्रिएट हुआ है। एंड मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि हमारा फेवरेट गेम अभी डेंजर सिचुएशन में आ गया है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर से। एंड वहाँ के स्टूडेंट एसोसिएशन ने जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर से ये मांग किया था, जो कि थे सत्यपाल मलिक। तो उनसे ये डिमांड किया कि इस गेम पे रोक लगाया जाए, यानी कि पबजी पे बैन लगाया जाए। आफ्टर दैट वहाँ से वो वायरस फैला गुजरात में, एंड गुजरात के प्राइमरी स्कूल में पबजी पे रोक लगा दिया गया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ महाराष्ट्र के तरफ। तो महाराष्ट्र में मुंबई में एक 11 साल का लड़का जिसका नाम है आहाद निज़ाम, तो बेसिकली उसने वहाँ मुंबई के हाई कोर्ट में, मतलब महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में ये अपील किया कि इस गेम को रोक लगाया जाए, क्योंकि इस गेम में अग्रेशन है, वायलेंस है, साइबर बुलिंग है, इस तरह के सिचुएशन। एंड गाइस कल ही परसों का एक न्यूज़ है, यहाँ पे मुंबई में ही एक 18 साल का युवा, मतलब एक लड़का कमिटेड सुसाइड कर लिया। एंड क्योंकि उसे एक स्मार्टफोन चाहिए था, महंगा स्मार्टफोन चाहिए था। एंड उसने अपने फैमिली से ये डिमांड किया कि मुझे करीबन 30-40 हज़ार रुपये का एक स्मार्टफोन चाहिए पबजी के लिए। एंड उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, तो वो सुसाइड कर लिया। एंड गाइज उसके बाद आप लोगों को तो मालूम ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पबजी का जिक्र किया था, परीक्षा पे चर्चा पार्ट टू लेकर जो वो आए थे, तो उस पर भी उन्होंने डिस्कशन किया था। एंड उन्होंने कहा था ये पबजी वाला है क्या, तो ऐसा कुछ लाइन उन्होंने कहा था। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी फैल गई पबजी को लेकर। एंड अब मैं आप लोगों को एक ऐसा न्यूज़ देने वाला हूँ जिसका मुझे डर था गाइज, अगर ये मेरे को लगा था कि अगर इन लोगों के पास ये अगर गया ये न्यूज़, तो बेसिकली पबजी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो चलो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे किसका बात कर रहा हूँ। तो शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा, DCPCR यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो बेसिकली ये जो कमेटी है, ये चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर से हो या कोई भी तरह का इशू हो जो चिल्ड्रेन के ऊपर बहुत बुरा असर दे रहा है। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा है कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से इस गेम लाइक पबजी, फोर्टनाइट, GTA, गॉड ऑफ वॉर, हीटमैन, फ्लैगियो एंड पोकीमॉन आर हार्मफुल फॉर चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ANI। तो बेसिकली गाइज इस आर्टिकल से ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये जो कमेटी है, ये भी इस गेम, इन गेम के खिलाफ है। एंड उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोल दिया है कि इन सारे गेम के कारण बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि गाइज इन फ्यूचर सिर्फ पबजी ही नहीं, और भी कई ऐसे गेम हैं जिन पे रोक लगने वाला है, चाहे वो कल हो या परसों, कभी भी रोक लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये कहाँ से न्यूज़ शुरू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर से ये स्टार्ट हुआ, फिर गुजरात पहुंचा, फिर महाराष्ट्र पहुंचा, एंड भाई अब दिल्ली पहुंच चुका है। तो बेसिकली आई थिंक कि कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट या कोई भी इसके ऊपर बहुत ही बहुत बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, शायद कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे आगे मालूम नहीं कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरी खबर है हम सारे फैंस के लिए जो इन सारे गेम्स को पसंद करते हैं। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उन लोगों के कारण हो रहा है जो अपने दिन का तकरीबन आधा से ज़्यादा समय गेम्स के ऊपर लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने कहावत सुना ही होगा कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यही है यार, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दिन का आधा से ज़्यादा समय इसको ऊपर दे देते हैं, एंड आज उनके कारण हम सभी को इसका सज़ा मिल रहा है। अभी देखते हैं यार आगे क्या होगा, कहाँ तक ये न्यूज़ और जाएगा और क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा।
होपफुली गाइज ये वीडियो को एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अभी यार, अभी जो है आप लोग लाइक वगैरह कर देना। एंड क्या हो अगर PUBG बैन हो जाए या ये सारे गेम बैन हो जाए, तो आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एंड हो सके तो अपने भाई बंधु यार दोस्त तक ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचा दो, मेरी ये वाली वीडियो को ज़रूर उन तक शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी ये दुख भरी न्यूज़ मालूम चले। एंड चलो यार, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज़।